खानीवाल की नवाही बस्ती जहूराबाद के गरीब रेहड़ीवान अब्दुल शकूर किसी मसीहा के मुंतजिर। शकूर खुद दिल की आरजे में और फारिस से अफाहज होकर जिंदगी गुजारा है, जबकि इसकी बीवी शुगर और हेपेटाइटिस सी की मरीज है, जिसकी अद्वियात तकरीबन 15,000 महाना की है। किराए के मकान में रहने वाली फैमिली इंतहाई कस्म पर सी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। दोनों मियाँ बीवी किसी मसीहा की आमद के मुंतजिर हैं। अब्दुल शकूर ने डिप्टी कमिश्नर खानीवाल, वजीर आला और मुखैर हजरात से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए या कम अज कम वजीफा ही मुकर्रर कर दिया जाए, ताकि हमारी जिंदगी आसान हो सके और जीने की उम्मीद पैदा हो सके। रिपोर्ट वकार हुसैन पराचा, न्यूज टाइम, खानीवाल। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से एसपी सिटी अतीक शाह की मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई और सरहद चैंबर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान से अलग अलग मुलाकातें। पिशावर एसपी सिटी डिवीजन अतीक शाह की मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई के साथ खुसूसी मुलाकात, मजहबी हम आहंगी को फरोग देने के साथ साथ हर मुमकिन तआवुन और क़याम अमन के हवाले से तबादला ख्याल किया। बाद अज़ां एसपी सिटी ने सरहद चैंबर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदा वफ से मुलाकात के दौरान कहा कि सनअतकार तबका मुल्की मईशत को बेहतर बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। ताजरों और सनअतकारों का तहफ़ और उनको पुरमन माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुलाकात के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम, अमन अमान का क्याम और ताजरान को दरपेश मसाइल के हवाले से बातचीत की गई। एसपी सिटी अतीक शाह ने शुरका पर वाजे किया कि पिशावर पुलिस सनअतकारों के तहफ़ के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि सनअतकार मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा कर रहे हैं। एसपी सिटी अतीक शाह ने खसूसी मुलाकात के दौरान ताजरों और सनअतकारों को दरपेश मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करने के अज़म का इजहार किया। बेरो चीफ इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से एसएसपी ऑपरेशंस पिशावर यासिर आफरीदी का थाना दाउसई का अचानक दौरा, हवाला समेत थाने का रिकॉर्ड चेक किया। तमाम अफसरान और जवानों को आवाम से हुस्ने सलूक और शहरियों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखने की बाबत दरियाफ्त की। मियाँ चन्नू थाना तलंबा के हदूद पुल मुस्तफ़ा आबाद के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना तौर पर फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में पुलिस हिरासत में डाकू अमीन अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। एसएचओ तलंबा अरसर अली ने बताया कि मरने वाला डाकू मोहम्मद अमीन साहिवाल का रिहायशी था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार मुलजिम अमीन की निशानदेही पर पुलिस और दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जा रही थी कि पुल मुस्तफ़ा आबाद के करीब गिरफ्तार डाकू मोहम्मद अमीन की रिहाई करवाने के लिए डाकुओं ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग कर दी। इसी असना में जब फायरिंग का सिलसिला जारी था तो गिरफ्तार मुलजिम ने भागने की कोशिश की और अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, जिसकी लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रिपोर्ट वकार हुसैन पराचा, न्यूज टाइम, खानीवाल। साहिवाल में डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सरमद हुसैन का कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इस पर देखते हैं अपने नुमाइंदे खावर अली चौधरी की ये रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पानी की बंदिश का पांचवा रोज़ शहरियों का एहतजाज। शहर भर में पानी की सप्लाई पाँच रोज से मुअत्तल, शहरियों की वाबडा के खिलाफ एहतजाजी रैली। शुरका का डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से और सेक्रेटेरिएट तक मार्च रैली में वकला और सिविल सोसाइटी की शिरकत। एहतजाजी रैली के शुरका की वाबडा के खिलाफ और पानी सप्लाई बहाली के लिए नारेबाजी। यकम माह सिविल डिफेंस का आलमी दिन है, जिसको सिविल डिफेंस अफसरान और वॉलेंटियर पुरजोश तरीके के साथ मनाते हैं। डीसी ऑफिस से लेकर एसपी चौक तक रैली भी निकाली जाएगी। रैली में अपने दोस्त और साथियों को साथ लेकर शिरकत करें, ताकि पूरी दुनिया की तरह शेखुपुरा में भी आलमी दिन को भरपूर तरीके के साथ मनाया जाए। इस मौके पर चीफ इंस्पेक्टर हनीफ वर्क, इंस्पेक्टर शाहिद आवान, इंस्पेक्टर हाफिज मोहम्मद सलेमान, दीगर अहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चीफ वार्डन सिविल डिफेंस चौधरी मोहम्मद इलियास गुज्जर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रिपोर्ट इरफान खान दुरानी, न्यूज टाइम, शेखुपुरा। नौशेरों फिरोज कंडो यारों की रिहायशी मुहिब अली जस्कानी के ऊपर तीन दिन पहले नेशनल हाईवे पर छह जवाबदारों का कातलाना हमला करने वालों को पुलिस ने अभी तक हिरासत में नहीं लिया। मुहिब अली जस्कानी नेशनल प्रेस क्लब नौशेरों फिरोज पहुंचकर मीडिया को बताया कि मैं लकड़ियों का कारोबार करता हूं, तीन दिन पहले मैं अपने घर कंडो यारों जा रहा था तो मुझ पर असगर जस्कानी, रहमान जस्कानी, नजीर टेटो जस्कानी, सईद जस्कानी और एक नामालूम ने हमला करके मुझे मारने की कोशिश की और मुझ पर फायरिंग करके तशद्दुद किया। मुझसे 1,50,000 रकम, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल के कागजात छीन कर मुझे बेहोशी की हालत में वहां छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद मुझे मोटरवे पुलिस वालों ने हालानी अस्पताल लेकर आए, जिसके बाद मुझे होश आया और मैंने पुलिस में FIR दर्ज करवाई, मगर अभी तक पुलिस ने जवाबदारों को गिरफ्तार नहीं किया। मैं अपील करता हूँ IG सिंह, DIG शहीद बेनजीराबाद और SSP नौशेरों फिरोज से, मुतालबा करता हूँ कि जल्द से जल्द जवाबदारों को गिरफ्तार करके मेरे साथ इंसाफ किया जाए। रिपोर्ट नौशेरों फिरोज, न्यूज़ टाइम, अफजल अली मंगी।
मुजफ्फराबाद महकमा सियाहत व आसार कदीमा आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर और पाक गल्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी अल फिरोज हॉस्पिटलिटी और वैली ट्रैक्टर्स के दरमियान जमीन और रेस्ट हाउसेज की लीज का मुआहदा दे पा गया। इस सिलसिले में जुमेरात के रोज यहाँ वजीर आजम हाउस में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर शहजाद खान बंगिश, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फयाज अली अब्बासी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एहसान खालिद कियानी, सेक्रेटरी इतलात सियाहत और आईटी मोहतरमा मिदहत शहजाद, डायरेक्टर जनरल सैयद इरशाद अहमद पीरजादा, डायरेक्टर जनरल इतलात राजा अजहर इकबाल और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मफाहमत की यादाश्त पर सेक्रेटरी सियाहत मोहतरमा मिदहत शहजाद, पाक गल्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से सरदार इलियास, अल फिरोज हॉस्पिटलिटी की तरफ से मोहम्मद खान और वैली ट्रैक्टर्स की तरफ से मोहम्मद अवेस ने दस्तखत किए। ये मुआहदा टूरिज्म प्रमोशन एक्ट 2019 के बाद आज़ाद कश्मीर की तारीख का अपनी नौयत का पहला मुआहदा है, जिसके तहत सियाहत के फरोग के लिए प्राइवेट सेक्टर की शराकत से सियाहत फरोग दिया जा रहा है। मुआहदे के तहत पाक गल्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी को दार हुकूमत इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से, डीपीओ चार सद्दा मोहम्मद शोएब खान का डिस्ट्रिक्ट बार चार सद्दा में वकला बरादरी के साथ मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में डीएसपी तंगी खालिद खान, डीएसपी सरढेरी साबिर गुल खान, एसएचओ और दीगर पुलिस अफसरान के अलावा चार सद्दा और तंगी बार एसोसिएशन के सदर मुजीबुर रहमान और बहरमंद खान और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर डीपीओ चार सद्दा मोहम्मद शोएब खान ने तमाम वकला बरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जराइम के खिलाफ जारी जंग में पुलिस के साथ तावुन रखें और पुलिस पर अपना एतमाद बहाल रखें। कोई जराइम पेशा शख्स या कोई बदमाश किसी पुलिस अहलकार के खिलाफ खड़ा हो, क्योंकि जराइम के खिलाफ पुलिस की जारी जंग को हम सब ने मिलकर लड़ना है। ये इलाका आप और हम सब का इलाका है। जराइम पेशा अफराद का सफाया हम सब की जिम्मेदारियों में शामिल है। हम सब ने मिलकर चार सदा को जराइम पेशा अफराद और बदमाश लोगों से साफ करना है। डीपीओ चार सदा ने कहा कि मंशात हमारे मुआशरे में नासूर है, इस नासूर के खात्मे और मंशात फरोशों को करार वाक़ सजा में पुलिस का साथ दें। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से, खैबर पुलिस नो तैनात डीपीओ खैबर वसीम रियाज ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। शॉक्स ट्रेनिंग स्कूल पहुंचने पर खैबर पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। डीपीओ ऑफिस में पुलिस अफसरान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर एसपी इन्वेस्टिगेशन बख्तजादा, डीएसपी हेडक्वार्टर्स मोहम्मद नवाज और तमाम थानाचार के एसएचओज मौजूद थे और तआरुफी नशस्त की, जिसमें पुलिस अफसरान और दफ्तर स्टाफ के हुक्काम मौजूद थे। उन्होंने डीपीओ ऑफिस के तमाम शोबाजात और दफातर का भी दौरा किया और पुलिस के मुख्तलिफ अहातों और दफातर का मुआयना किया। साहिवाल वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खसूसी हिदायत की रोशनी में पंजाब भर में लैंड माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। सिलसिले में साहिवाल डिवीजन में दूसरे शहरों की तरह असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल सरमद हुसैन ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को वाहगुजार करवाए और कई एक जानवरों के बनाए हुए बाड़े, लॉन और डेरे वगैरह खत्म करवाए। इस मौके पर उन्होंने महकमा इरीगेशन की करोड़ों रुपए की जमीन पर लैंड माफिया का कब्जा भी खत्म करवाया। इस मौके पर इंतजामिया के अफसरान का कहना था कि अब तक तहसील साहिवाल में 266 कनाल से ज्यादा नाजायज जमीन को लैंड माफिया से वाहगुजार करवाया गया है। रिपोर्टर आना जुल्फिकार सरवर, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, न्यूज टाइम, साहिवाल। साहिवाल डीआईजी ट्रैफिक पुलिस पंजाब की हिदायत की रोशनी में डीएसपी ट्रैफिक डॉक्टर आसिफ कमाल की जेर निगरानी सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सदर चौक में ट्रैफिक कवानीन आगाही कैंप का इनेकाद किया गया, जिसने एटलस होंडा के बाहमी इश्तराक से लाइसेंस याफ्ता शहरियों में कुरानदाजी के जरिए हेलमेट और मास्क और ट्रैफिक कवानीन आगाही पंपलेट तकसीम किए। बाद हजार सिलसिले में ट्रैफिक कवानीन आगाही वॉक का भी अहतमाम किया गया। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, न्यूज टाइम, साहिवाल। नौशेर और फिरोज सिंह एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से एलाइड स्कूल मोमल पब्लिक स्कूल और दुआ पब्लिक स्कूल नौशेर और फिरोज में दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज किया गया। एलाइड स्कूल में तलबा और वालदेन की जानिब से एलाइड स्कूल में दरख्त लगाए गए। दरख्त के स्टॉल भी एलाइड स्कूल में लगाए गए, रैली निकाली गई। इस मौके पर स्कूल ऑपरेटर अली अकबर सोमरो, अब्दुल रशीद देथो, मोहम्मद मोइन वस्तोड़ो ने मीडिया को बताया कि उनके वालदेन समेत तलबा ने शहर में मुख्तलिफ मकामात और सड़कों पर दरख्त लगाने की मुहिम में स्कूल इंतजामिया का भरपूर साथ दिया और उन्होंने मजीद कहा कि आसपास के इलाकों के लिए ये खुशखबरी है कि उनके बच्चे सेफ के जरिए मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। आखिर में तलबा और तालबात को अवार्ड्स भी दिए गए। तलबा और तालबात की मेहनत को सराहा गया। नौशेर और फिरोज, रिपोर्ट, न्यूज टाइम, अफजल अली मंगी। जो ही पीटीआई डिग्रा हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई के रहनुमाओं ने एहतजाजी मुजाहरा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉमरेड हैदर सयाल, मुमताज बरोही, हुसैन डाहरी और दीगर रहनुमाओं ने एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हलीम आदिल शेख सिंध की आवाज़ हैं,
जिसने सिंध अंदर बंद स्कूलों को खुलवाया, औरतों को बुनियादी हक दिलाने के लिए समेत दूसरे मसाइल पर आवाज बुलंद की। जो बात सिंध सरकार को पसंद नहीं आया, झूठे केस में गिरफ्तार करके जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंध की आवाज़ को दबाने की कोशिश और सैनेट इंतखाबात मुलतवी करवाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि हलीम आदिल शेख को बिना देर के आज़ाद किया जाए, दूसरी सूरत में पूरी सिंध के अंदर एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। रिपोर्ट रफीक अहमद, न्यूज टाइम जोही। पिशावर जर्मी ने मुल्तान सुल्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची से गुलाम मुस्तफा अजीज। कराची में जारी HPL PSL के 5वें मैच में पिशावर जर्मी ने दिलचस्प मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने 194 रन का मतलूबा हदफ 19 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पिशावर जर्मी के बैट्समैन टॉम कैडमोर को 32 गेंदों पर 53 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। मतलूबा हदफ के ताकुब में पिशावर जलमी ने अपनी इनिंग्स का पुरअतमाद आगाज किया तो ओपनर्स कामरान अकमल और इमामुल हक ने 57 रन की इब्तदाई शराकत कायम की। कामरान अकमल 2 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 37 रन बनाकर उस्मान कादिर की गेंद पर LBW आउट हो गए। क्रीज पर मौजूद इमामुल हक ने नए आने वाले बैट्समैन टॉम कैडमोर के साथ मिलकर रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। वो 5 चौकों की मदद से 48 रन बनाकर कार्लोस ब्रैथवेट के हाथों रन आउट हो गए। टॉम कैडमोर और इमामुल हक ने 77 रन की शराकत कायम की। 153 के मजमू स्कोर में शेरफेन रोदर फोर्ड मुल्तान सुल्तान्स के नौजवान बॉलर शाह नवाज धानी का शिकार बने। नौजवान फास्ट बॉलर ने अगले ही ओवर में टॉम कैडमोर को 53 के इनफरादी स्कोर पर आउट कर दिया। उनकी इनिंग्स में 1 छक्का और 6 चौके शामिल थे। इस मौके पर नौजवान हैदर अली ने क्रीज संभाली और 8 गेंदों पर 2 छक्कों और 2 चौकों की मदद से बर्क रफ्तार 24 रन बनाकर पिशावर जर्मी को फतह से हमकिनार कर दिया। मुल्तान सुल्तान के शाहनवाज धानी ने 2 जबकि उस्मान कादिर ने 1 विकेट हासिल की। इससे कबल पिशावर जर्मी ने टॉस जीतकर मुल्तान सुल्तान को पहले बैटिंग की दावत दी तो क्रिस लेन एक बार फिर मुल्तान सुल्तान को बड़ा एजाज फराहम करने में नाकाम रहे और 1 के इनफरादी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। इन्हें दराज कद फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने आउट किया, जिसके बाद इंग्लिश क्रिकेटर जेम्स वैंस ने क्रीज संभाली और मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर तेजी से रन बनाने का सिलसिला शुरू किया। मोहम्मद रिजवान 2 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 41 रन बनाकर एमरजिंग प्लेयर मोहम्मद इमरान की गेंद पर आउट हो गए। दूसरे एंड से जेम्स वेंस ने उम्दा बैटिंग करते हुए नित सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 3 छक्कों और 9 चौकों की बदौलत 55 गेंदों पर 84 रन की शानदार इनिंग्स खेली। सोहेब मकसूद की 21 गेंदों पर 36 रन ने भी सुल्तान के स्कोर में काबिल कदर इजाफा किया। उनकी इनिंग्स में 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे। रॉली रोसो 14 और खुशदिल शाह 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मुल्तान सुल्तान ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बनाए। पिशावर जलमी के साकिब महमूद ने 2 जबकि मोहम्मद इमरान और मोहम्मद इरफान ने 1-1 विकेट हासिल की। कप्तान वहाब रियाज पिशावर जलमी के सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। उन्होंने 4 ओवर्स में 51 रन दिए। वो कोई भी विकेट हासिल करने में नाकाम रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 5 विकेटों से हरा दिया। कराची से गुलाम मुस्तफा अजीज। नेशनल स्टेडियम कराची में जारी HPL PSL के 6वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद दिफाई चैंपियंस कराची किंग्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने 197 रन का बड़ा हदफ 19 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कराची किंग्स के ओपनर शर्जील खान की सेंचुरी और बाबर आजम की निस सेंचुरी रायगा गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओपनर एलेक्स हेल्स को 21 गेंदों पर 40 रन स्कोर करने पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। मतलूबा हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग्स का आगाज ज्यादा मुतासर को ना रहा और उनकी इब्तदाई 2 विकेटें महज 13 के मजमू स्कोर पर गिर गईं। कप्तान शादाब खान और ओपनर फुलसाल बगैर कोई रन बनाए पवेलियन वापस लौटे तो इंग्लिश बैट्समैन एलेक्स हेल्स ने ऑलराउंडर फहीम अशरफ के हमरा रन बनाने का सिलसिला शुरू किया। दोनों खिलाड़ियों ने बर्क रफ्तार बैटिंग करते हुए 62 रन की शराकत कायम की। एलेक्स हेल्स 21 गेंदों पर 8 चौकों और 1 छक्के की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए। फहीम अशरफ 25 रन पर हिम्मत हार गए, जिसके बाद मिडल ऑर्डर बैट्समैन इफ्तिखार अहमद और हुसैन तलत ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की कमान संभाली। कराची किंग्स के बॉलर्स के खिलाफ भरपूर मजामत का मुजाहरा किया। दोनों बैट्समैनों ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए 94 रन की पार्टनरशिप कायम की। हुसैन तलत 4 चौकों की मदद से 42 रन बनाकर मोहम्मद नबी की गेंद पर LBW हुए तो नए आने वाले बैट्समैन आसिफ अली ने 9 गेंदों पर 2 छक्कों और 1 चौके की मदद से बर्क रफ्तार 21 रन बनाकर अपनी टीम को फतह दिला दी। इफ्तिखार अहमद 49 रन बनाकर नॉट आउट रहे।
कराची किंग्स के अहमद वसीम, मोहम्मद आमिर, अरशद इकबाल, मोहम्मद नबी और वकास महमूद ने एक एक विकेट हासिल की। इससे कबल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया तो कराची किंग्स के ओपनर शर्जील खान और बाबर आजम ने इनिंग्स के आगाज से ही हरीफ टीम के बॉलर के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाया। दोनों खिलाड़ियों ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए HBL PSL की तारीख की तवील तरीन रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप बना डाली। दोनों बल्लेबाजों ने पहली विकेट की शराकत में 176 रन जोड़े। इससे कबल लीग की तारीख की तवील तरीन शराकत दारी का रिकॉर्ड कराची किंग्स के बाबर आजम और लियाम लिविंग स्टोन के पास था। उन्होंने लीग के चौथे एडिशन में 157 रन की इब्तदाई शराकत कायम की थी। यह HBL PSL में किसी भी विकेट की तवील तरीन पार्टनरशिप भी है। शर्जील खान ने 9 चौकों और 8 छक्कों की बदौलत इवेंट की पहली सेंचुरी बनाई। वो 59 गेंदों पर 105 रन बनाकर आउट हुए। HBL PSL में ये शर्जील खान की मजमूई तौर पर दूसरी और इवेंट की तारीख में किसी भी बल्लेबाज की 90वीं सेंचुरी है। कराची किंग्स के दूसरे ओपनर बाबर आजम 62 रन पर एलेक्स हेल्स के हाथों राउंड आउट हो गए। उनकी इनिंग्स में एक छक्का और छह चौके शामिल थे। कराची किंग्स ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए। मोहम्मद नबी ने 7 रन बनाए। डैन क्रिश्चियन 12 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इस्लामाबाद के हसन अली और हुसैन तलत ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। तहम उनके फील्डर्स ने कई आसान कैचेस छोड़े। इनिंग्स के दौरान 3 मौके ऐसे भी आए कि जब कराची किंग्स के बैट्समैन 9 बॉल पर आउट हुए हों।